गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका सीए वाला में। बिल्कुल सही पढ़ा आपने, लास्ट का डेढ़ महीना बचा हुआ है और सीए फाउंडेशन का एग्जाम बहुत मक्खन मलाई तरीके से क्रैक हो सकता है। एकदम रामबाण स्ट्रेटेजी आपके सामने पेश कर रहा हूं, बहुत हाई लेवल की सुप्रीम स्ट्रेटेजी है। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आप अपने प्रिपरेशन में चार चांद लगा लोगे, ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। आपको पता है इस बार सीए फाउंडेशन के पेपर में 5 छुट्टियां हैं, कैसे ये चीज रिवील करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक बच्चे के लिए। बच्चा टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा, ये पता लग जाएगा। जो बच्चा अपने सब्जेक्ट में वीक फील कर रहा है उसको कैसे उस सब्जेक्ट को क्रैक करके आगे बढ़ना है अभी पता लग जाएगा। बस इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। फिर कोई भी दिक्कत डाउट परेशान नहीं हो, आप कमेंट सेक्शन में बताते हो, आपका उसका रिप्लाई जरूर मिलता है, समझ लो। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं अभी यहां पर जो बात करूंगा, शुरुआत यहां से करेंगे कि कुछ बच्चे अभी यहां पर ऐसे हैं जो अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, उनको सिर्फ रिवीजन की जरूरत है और मॉक टेस्ट पेपर या फिर रिवीजन टेस्ट पेपर वो कर लेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेंगे तो उनकी तैयारी सॉलिड लेवल पे पहुंच जाएगी। एक वो सेक्शन है। दूसरा सेक्शन वो है बच्चा अभी डामाडोल है, थोड़ा मुसीबतों में फंसा हुआ है, उसको लग रहा है कि यार मेरा एक सब्जेक्ट थोड़ा सा वीक है, किसी के दो सब्जेक्ट वीक है, किसी के तीन सब्जेक्ट वीक है, किसी का चारों में मामला फूस है। उसको लगता है कि कुछ कुछ हो गया कुछ कुछ नहीं हुआ, अभी बड़ी कंफ्यूजन की सिचुएशन है। सच में ऐसा है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ यही होता है। लेकिन एक बात मेरी सुनोगे, सीए फाउंडेशन को पास करना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा ही आसान है। कैसे आसान है, एक एक करके सब्जेक्ट पकड़ लेते हैं भाई। सबसे पहले मैथ्स पे आ जाओ, क्योंकि सीए फाउंडेशन का जो पेपर दे रहे हैं, काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने 11वीं और 12वीं में मैथ्स नहीं पढ़ी है, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 11वीं 12वीं में मैथ्स पढ़ चुके हैं लेकिन उनकी मैथ्स वीक है, वो थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम फील कर रहे हैं। तो पहले मैथ्स के बारे में आएंगे, फिर लॉ के बारे में आएंगे, फिर अकाउंट्स और इको। ये बातें अगर तुमने सुन ली बस वहीं तुम्हारा काम बन जाएगा, और पांच छुट्टियों की बात भी सुन लेना, बड़े कमाल की बात होने वाली है। नंबर वन बात कर लो भाई अपने प्यारे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के बारे में। यह तुम्हारा पेपर नंबर 3 है, मैं प्यार से इसको मैथ्स बोल रहा हूं, बाकी इसका नाम तो तुम्हें पता ही है, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और लॉजिकल रीजनिंग, तीन चीजें इसके अंदर काउंट होती है। दोस्तों जो अपने आप को मैथ्स में वीक समझ रहे हैं ना, वो मेरे कहने से ये टॉपिक्स कर लो, पेपर पार हो जाएगा। टॉपिक सुन लो, देखो स्टैटिस्टिक्स है ना, तुम स्टैटिस्टिक्स में घुसना स्टार्ट करो तो तुमने 9वीं 10वीं में 8वीं में मीन मोड मीडियन निकालना शुरू किया होगा, उसको आज भी एक रियल टच मिल जाए, दो दिन की प्रैक्टिस हो जाए, मीन मोड मीडियन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है, बस एक जेन्युइन स्टार्ट लेने की जरूरत है, समझ लो। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, सेंट्रल टेंडेंसी को बाबू कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा अभी के लिए, क्योंकि लास्ट के कुछ कम दिन बचे हुए हैं। वीक बच्चे की प्रिपरेशन कैसे होगी उसके बारे में पहले बता रहा हूं, टॉपर पे भी आ जाऊंगा अभी। मीन मोड मीडियन होते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी में कोई नहीं छोड़ेगा, और 11वीं क्लास की स्टैट्स में बच्चे ने कोरिलेशन पढ़ रखा होता है, ठीक है, नहीं थी मैथ्स मैं जानता हूं, लेकिन इकोनॉमिक्स के हिस्से में कोरिलेशन पढ़ता है बच्चा। और अब एक नया आइटम आएगा, रिग्रेशन, बाबू ये मत छोड़ना, ये काम की चीज है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एंड डेज के अंदर ये चीजें कवर अप हो सकती है, बहुत आसानी से कवर अप हो जाएंगी, बस शिद्दत से पढ़ाई करने की जरूरत है। अब तुम कहोगे सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा, बहुत बेस्ट फॉर्मूला है, एक सिंपल सतर्क फॉर्मूला है, एक बारी चारों सब्जेक्ट पे फोकस कर ले फिर आ जाते हैं। फिर थर्ड नंबर पे बच्चे ने 10वीं के अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है, एपी जीपी पढ़ा है ना, तो यार ये एपी और जीपी है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं और ये आसान है, इजी टॉक्स हैं, बहुत आसान है। मैं आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन या फिर दूसरी मैथ्स को बिल्कुल ही प्रोबेबिलिटी के अंदर घुसने के लिए नहीं बोल रहा, काफी बच्चों को तो वो भी इजी लगती होगी, ठीक है। और चौथे नंबर पे एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, नया कॉन्सेप्ट है, खैच के चलो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जिन बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड के अंदर 11वीं 12वीं में अप्लाइड मैथ्स पढ़ा है उन्होंने इसको सुना भी होगा, बाकी ये चार टॉपिक कर लोगे आपका पेपर पार हो जाएगा, बल्कि ज्यादा ही नंबर स्कोर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट 45 डेज में ये कवर हो सकते हैं, डेज कैसे डिवाइड होंगे वो भी बताऊंगा अभी, पहले टॉपिक पे ध्यान दे लो, समझ लो। अगला, अब मैं लॉ वाले सब्जेक्ट पे आ जाता हूं, इसको बिजनेस लॉ बोल दूं प्यार से, है तो पूरा बिजनेस लॉ एंड बीसीआर, चलो जी बोल दिया, बिजनेस लॉ एंड बीसीआर भी बोल दिया। भैया 100 नंबर का ही सब्जेक्ट है, तुम्हारे पास वही चक्कर है, इको की तरह ही 60 नंबर की लॉ है, 40 नंबर की बीसीआर है यहां पर। अब ये ना नया सब्जेक्ट है, जिन बच्चों ने 11वीं 12वीं में लीगल स्टडीज पढ़ी थी छोटा मोटा जानते होंगे इसके बारे में, ये बिजनेस की लॉ है, कॉर्पोरेट लॉ है, ये कोई क्रिमिनल वाली लॉ नहीं है, किसी ने मर्डर कर दिया तो उसको सजा कैसे मिलेगी, वो कहानी यहां सेट नहीं हो रही, यहां थोड़ा अलग मामला है। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आपको दिए हुए हैं, मेरे कहने से
आप इन चीजों को बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। नंबर वन पे बहुत बड़ा टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है जी। क्वेश्चन बनते हैं, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। नंबर टू पे कोई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट नहीं छोड़ेगा, 2008 में ये एक्ट बना हुआ था, 2009 के अंदर इसको इनएक्ट किया हुआ था, तो वो बातें भी आपको देखनी है भाई। जो भी ये वाली एलएलपी नाम की कंपनी खोलता है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है। लॉ में भी इसको पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स के बीसी के वाले सब्जेक्ट में भी इसको पढ़ रहे हो, तो ये चीज आपको आसान लगेगी क्योंकि दो सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं यहां पर, समझ रहे हो, दो चीजों में आ रही है। थर्ड नंबर पे बच्चा गुड्स एंड सर्विस एक्ट कोई नहीं छोड़ेगा, और लॉ पे है ना इतना खतरा लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये तीन मैंने एक्ट बता दिए ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पार्टनरशिप एक्ट को छोड़ के चले जाओ। जो बच्चा इनको कर लेगा पेपर पार हो जाएगा, क्योंकि चौथे नंबर की चीज है आपको बचा रही है यहां पर ये चीज। जिसको लॉ मुश्किल लग रही है उसको ये चीज बचा रही है। इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश। दोस्तों आपकी बीसीआर के अंदर इंग्लिश आ रही है, इंग्लिश आपको बचा लेगी, लॉ के अंदर फेल नहीं हो सकते बच्चे, लॉ में इतना फेल नहीं होते, क्यों, इंग्लिश बचाती है उनको, आसान है, समझ रहे हो। है आपका पेपर ये सब्जेक्टिव, यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, मैथ्स वाला ऑब्जेक्टिव है, वहां पर बच्चा फंस जाता है, समझ रहे हो। तो यहां पर आप बचोगे तो लॉ की पिक्चर भी क्लियर होती है, अगर टाइम बचे तो फिर आप पार्टनरशिप एक्ट पे भी देख सकते हो। लेकिन उस चीज को भी दिमाग से परे हटाओ, क्योंकि पेपर पास यहां से हो रहा है। अभी उनकी बात हो रही थी ना, जो बच्चे मझधार में है कंप्लीटली, इधर उधर मामला लग रहा है कि उनको डामाडोल हो सकता है। अब सीधी सीधी बात मैं अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के बारे में कर लूं। पहले अकाउंट्स के ऊपर आपको पता है कि 11वीं और 12वीं वाली 70% अकाउंट्स हैं, 70% वही अकाउंटेंसी चल रही है। अब जो नया टॉपिक है 31% के आसपास है, जिन्होंने 11वीं 12वीं में ढंग से नहीं पढ़ी वो फिर भी अगर यहां पर पढ़ना स्टार्ट करें तो काम हो जाते हैं। बस जैसे कंसाइनमेंट जैसे टॉपिक हैं वो 11वीं 12वीं में आपने नहीं पढ़े, लेकिन वो अब आ रहे हैं, लेकिन उसको भी तुम अभी हाल फिलहाल सिर्फ पास करना ऑब्जेक्टिव है ना। देखो क्या हुआ, लास्ट 45 डेज स्ट्रेटजी मेनली उन बच्चों के लिए होती है जिन्होंने अभी बहुत टाइम से अच्छे से पढ़ाई नहीं की, डेडिकेशन से नहीं पढ़ पाए, लेकिन अभी उनको लगता है कि मैं सीए बनना ही है, बिल्कुल सीए की पढ़ाई करनी है। अभी सीए फाउंडेशन में नंबर लाना सिर्फ, देखो रैंक तो आती नहीं है इसके अंदर, रैंक डिक्लेयर नहीं करता आईसीआई, तो हर एक बच्चा पास भी कर ले तो सब बराबर ही माने जाते हैं। किसी के 400 में से 350 है और दूसरे बच्चे के 400 में से 210 नंबर है, 210 नंबर है और पासिंग क्राइटेरिया फुलफिल कर चुका है, तो उसका अंतर कभी पता नहीं लगेगा। आगे जब इंटर का लेवल आएगा वहां पर ज्यादा मेहनत कर लेना, भूल चूक माफ है, आगे से ध्यान रखना कि शुरू से ही पढ़ाई करनी है, है ना। अकाउंट्स काफी हद तक वो है, अगर आपके अकाउंट्स के बेसिक्स कमजोर हैं तो अपने पास कॉमर्स वाला का चैनल है, वहां से तुम रिवीजन कर सकते हो, और कॉमर्स वाला भाई पीडब्ल्यू लिख देना यूट्यूब पर, आपको मिल जाएगा। और बिल्कुल ही स्टार्टिंग से पढ़ाई करनी है तो बिल्कुल ही सीए वाला के चैनल पर चाणक्य बैच बना रखा है, उसमें इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, लॉ और अकाउंटेंसी चारों सब्जेक्ट को थोरोली, मतलब एकदम क्रैश कोर्स टाइप से रिवाइज कर सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको सब्जेक्ट की वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत आसानी से आपके कवर अप हो जाएंगे, क्वेश्चन भी करा रखे हैं बहुत मजेदार तरीके से, बहुत जल्दी चाणक्य बैच के अंदर ये कोर्स कंप्लीट कराया गया है। ये तो रेफरेंस है ही आपके पास, अभी इसी चैनल पे तुम देख सकते हो। खैर अकाउंट्स की बात में ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो जो बच्चा तैयारी करने की कोशिश कर रहा है एटलीस्ट अकाउंट्स का तो शौक होगा उसको, तभी तो सीए बनने की कोशिश कर रहा है, तो यहां पर इतना स्ट्रेटेजी नहीं। इकोनॉमिक्स की बात करो तो 11वीं 12वीं में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है, काफी हद तक वो इकोनॉमिक्स है, लेकिन बीसीके में बहुत कुछ नया आ गया तुम्हारे पास। बीसीके बहुत आसान है, तुम्हारे 40 नंबर वहां पर बुक हो रहे हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स 60 नंबर की है, इसमें काफी हद तक 11वीं 12वीं का भी है, लेकिन जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरी बात समझो, बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 2 डिमांड एंड सप्लाई, चैप्टर नंबर 3 प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, ये दोनों मिला के 20 से 24 नंबर के हैं, 21-24 मार्क्स का है, यानी 100 में से लगभग 20-25% का सिलेबस यहां से आ रहा है, तो बहुत बड़ा कवरेज ले सकते हो यहीं से ही। फिर बीसी के 40 नंबर की बिल्कुल आसान है, जो चैप्टर नंबर 3 है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बीसीके के अंदर, उसमें 34 कंपनीज की लिस्ट आपको पढ़नी है और तुम्हारे पास 45 डेज से ज्यादा बचे हुए हैं, तो डेली एक कंपनी भी पढ़ोगे तो वो चैप्टर साइड बाय साइड कवर अप होता रहेगा। 5 चैप्टर बीसीके के, 6 चैप्टर बिजनेस इकोनॉमिक्स के हैं, तो सारे भी पढ़ने की मैं बोल नहीं रहा, जस्ट पास करना है तो आपको आप सेकेंड थर्ड चैप्टर और पूरा बीसीके कर सकते हो। और जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का लास्ट वाला चैप्टर है ना, बिजनेस साइकिल, बहुत ही ज्यादा आसान है, 9 से 12 नंबर आएंगे, समझ रहे हो, 12 नंबर का वो मान के चलो, 24 नंबर का चैप्टर 2-3 बिजनेस इकोनॉमिक्स का मान के चलो, टोटल मिला के 36 नंबर होते हैं, आप उसको 35 मान लो, 40 नंबर की बीसीके हो गई, 75 नंबर की तैयारी कर रहे हो, 45 डेज के अंदर कोई 100 नंबर की तैयारी कर भी नहीं पाएगा। 75 में से अगर तुम मतलब 50 भी स्कोर कर लेते हो तो तुम्हारा बहुत अच्छा स्ट्रांग हैंड है, और इकोनॉमिक्स में बच्चों के ज्यादा नंबर आते हैं सबसे,
सीए फाउंडेशन में सबसे ज्यादा स्कोर ही बच्चे इकोनॉमिक्स में करते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें एक जनरल थॉट से रिलेटेड होती है, है ना, कॉमन सेंस होती है, वो वाली बातें होती है, तो आसानी से आप स्कोर भी कर लेते हो। तो इकोनॉमिक्स में मेजर टॉपिक्स आपको क्या पढ़ने हैं, मैंने ये बता दिया। अब बच्चा बोलेगा सर यार टाइम मैनेज कैसे करें? देखो मोटे मोटे तौर पे आपको यहां पर एक बात पता होनी चाहिए, मैं बात कर रहा हूं 45 डेज की। 45 डेज आपके पास अगर बचे, लगभग 45 डेज, 5 दिन तो मटाई दो, मैं बोल रहा हूं 40 डेज बचे हैं तुम्हारे पास। 40 डेज में बच्चा क्या करेगा, 10x4 कर देगा, चार सब्जेक्ट है ना, हर एक सब्जेक्ट को 10 दिन देने हैं। ये स्ट्रेटेजी गलत है, हर सब्जेक्ट को 10 दिन कैसे दोगे? आपका कोई वीक सब्जेक्ट होगा, कोई स्ट्रांग होगा, जो स्ट्रांग है उसको कम टाइम दो, वीक को ज्यादा दो। और टाइम मैनेज कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट का एक ही फॉर्मूला, टाइम मैनेजमेंट का एक ही फॉर्मूला, है क्या फॉर्मूला है, कि टाइम वेस्ट नहीं करना, हो गया टाइम मैनेजमेंट नहीं करना। ये क्या बोल दिया सर, अभी 5 छुट्टी के बारे में बताऊंगा, वो तो बड़ी चीज है। टाइम वेस्ट नहीं करना मतलब क्या है? अरे भाई हर एक के लिए टाइम मैनेजमेंट का सेम सिंपल एक फॉर्मूला नहीं हो सकता, कोई भी टीचर सभी बच्चों को एक फॉर्मूला नहीं बता सकता। सबके घर का रहने का माहौल अलग होता है, कोई बड़े से घर में रह रहा है, कोई एक कमरे में रह रहा है, किसी घर में जॉइंट फैमिली है, किसी की न्यूक्लियर फैमिली है, किसी को ज्यादा सुविधाएं मिली हुई है, किसी को कम सुविधाएं मिली हुई है। लेकिन टाइम वेस्ट करते हैं बच्चे, ज्यादा सो लेते हैं जरूरत से ज्यादा, 6-7 घंटे सो लो काफी है, ठीक है, इधर उधर मोमोज खाने जाएंगे, गली के नुक्कड़ पे खड़े हो जाएंगे चार दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, समझ लो। तो व्हाट्सएप को म्यूट रखो, फोन को ज्यादातर साइलेंट रखो, तुम्हारा काम का टाइम हो, पढ़ने का टाइम हो तो यूट्यूब उठा लो, स्क्रीन टाइम अपना रिड्यूस कर दो, मोमोज मोमोज फालतू में खाने मत जाओ, मतलब कुछ भी इधर उधर धक्के खाने मत जाओ, क्योंकि लास्ट के डेज बचे हुए हैं, दिन के तुम्हारे 2-3 घंटे भी सेव हो रहे हैं ना, तो 45 डेज में तुम्हारे 100 घंटे सेव हो रहे हैं, लगभग 100 घंटे के अंदर तुम, 100 घंटे के अंदर तुम काफी हद तक अपने आप को बहुत बेटर इंप्रूव कर सकते हो। चार सब्जेक्ट के 25-25 घंटे की पढ़ाई हो रही है, समझ लो, ये चीज तो तुम्हारा टाइम मैनेज हो जाएगा, टाइम वेस्ट मत करो, दिस इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। अब बड़े लेवल की बात, जो बच्चे कह रहे सर 5 छुट्टी कैसे है, भाई देखो तुम्हारा पेपर जून अटेम्प्ट वाला, 24 जून को अकाउंट्स का पेपर है, 26 जून को बिजनेस का है, 28 जून को मैथ्स का है, 30 जून को इकोनॉमिक्स का है। आईसीआई बोल रहा है पर पेपर 1 छुट्टी है, मैं बोल रहा हूं पर पेपर 5 छुट्टी है। कैसे 5 छुट्टी है, ये जो आईसीआई ने ऑफिशियल छुट्टियां दी है ना, इसको छोड़ो, छुट्टी का मतलब क्या होता है, वो खाली टाइम जिस टाइम में आप सिर्फ उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो जिसका आपको पेपर देना है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए एक एक छुट्टी कम है, भाई पहले ही अपनी छुट्टी ले लो खुद के टाइम से, कोई मना नहीं कर रहा। अब 24 को अकाउंट्स का पेपर है, आप 19 तारीख से लगातार अकाउंट्स पढ़ना शुरू कर दो, 19, 20, 21, 22, 23, 1, 2, 3, 4, 5 छुट्टी हो गए अकाउंट्स में। अब बोलोगे भैया लॉ के अंदर फिर 25 तारीख की एक छुट्टी है, कोई बात नहीं एक छुट्टी है, भैया पहले कोई भी 4 दिन निकाल लो, उन 4 दिन में सिर्फ लॉ पढ़ो, 4 दिन निकालो उन 4 दिन में सिर्फ मैथ पढ़ो, 4 दिन निकालो उन 4 दिन में सिर्फ इकोनॉमिक्स बीसी के पढ़ो। ये 4 दिन तुम्हारे जो है ना सिर्फ एक सब्जेक्ट को डिवोट कर दो, तो तुम्हारा बहुत हद तक वो सब्जेक्ट डेप्थ में कवर होगा, समझ लो। कि छुट्टी तुम खुद ले चुके हो, अरे यहां पर तुम खुद अपनी मर्जी के मालिक हो, तुम्हारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, पेपर की डेट ही तो डिक्लेयर करी है, छुट्टी आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। हर बच्चा अगर इस तरीके से चलेगा तो उसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन आएगा। वो ये चीज मान लो ना, तो तुम पूरे सब्जेक्ट की वैल्यूएशन ही जान जाओगे कि तुमने पढ़ा कैसे है। ये करके देखो, मेरे कहने से करके देखो, अपने हिसाब से छुट्टी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बात आएगी उस बच्चे की जो टॉपर है, उसको रिविजन कैसे करनी है। यार देखो रिविजन का एक फॉर्मूला, चाहे अभी या आगे सीए की पढ़ाई में भी ध्यान रखना, रिविजन कोर्स कंप्लीट करने के बाद नहीं होती, रिविजन डेली होती है। आपने जो आज पढ़ा है आज ही उसको रिवाइज करो, टॉपर्स बच्चे हमेशा ऐसा ही करते हैं। और नॉर्मल बच्चे क्या सोचते हैं कि पहले कोर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद उसकी रिविजन होगी, ऐसा नहीं, ये तो गलत फॉर्मूला है, समझ लो। टॉपर्स को सलाह दूंगा, चाणक्य बैच देखो, यूट्यूब पर फ्री अवेलेबल है, जल्दी जल्दी रिविजन उसकी हो रही है। जो बच्चे अपना कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं वो प्लीज एमटीपी आरटीपी जरूर करें। आरटीपी जो रिविजन टेस्ट पेपर होता है वो आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट का मिलता है, अकाउंट्स और लॉ का, एमटीपी आपको 4 सब्जेक्ट का मिलता है, ठीक है ना। तो एमटीपी आरटीपी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो जितनी हो सके उतनी, जो सारा कोर्स कंप्लीट कर चुके रिवाइज कर चुके उनके बारे में है। और ये यूट्यूब पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, हमने प्लान बना लिया है, जल्दी आपके लिए
एमटीपी और आरटीपी और पीवाईक्यू की सीरीज लेकर आ रहे हैं सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए, बहुत मजेदार बात है। तो जो बच्चे थोड़े वीक है वो भी ये करें, टॉपर भी ये करें, क्योंकि ये करने जरूरी है। मैं कहता हूं एमटीपी आरटीपी से 20% के आसपास पेपर आ जाता है, तो काफी हद तक आप पेपर वहीं से कवर कर रहे हो क्योंकि एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन होते हैं। तो बहुत कुछ कवर अप कर लिया है, हर एक बच्चे के लिए स्ट्रेटेजी बना दी है। अगर बच्चे को फिर भी लगता है कि नहीं सर फिर भी मेरा कोई ना कोई डाउट है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो भाई तुम्हारे लिए खुला छोड़ रखा है, खुला बोर्ड छोड़ रखा है, खुला कमेंट सेक्शन छोड़ रखा है। आप अपने हिसाब से मुझे बता दो कि आपकी जो दिक्कत डाउट परेशानी है उसको हम सॉल्व कर देंगे। बाकी आज की क्लास में इतना ही, और आपका प्यार जो मिलता है अपनी ना कैडे लेवल की बॉन्डिंग बन रखी है। मैं बहुत सारे बच्चों से बहुत प्यार करने लगा हूं, उनके बिल्कुल कॉमेंट्स पढ़ता हूं और देखता हूं कि बच्चे किस हिसाब से रिस्पॉन्स दे रहे हैं। लिटरली दिल जीत लिया आप लोगों ने मेरा, बस अब समय आ गया कि आप अपने मम्मी पापा का अपना खुद का सपना पूरा करो और पढ़ाई में डेडिकेटली डेडिकेशन से लग जाओ, मतलब रिगरस मेहनत करके दिखा दो। हो सकता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, देखो 2010 से इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, मेरी पढ़ाई के ना स्टार्टिंग के 4-5 साल जब मैंने पढ़ाना शुरू किया टीचिंग एक्सपीरियंस में 4-5 साल हो गए थे, तो एकदम से मैं देखता हूं कि मेरे फोन के अंदर मैसेज आता है, एक बच्चा बोलता है सर मैं सीए बन गया, और बिल्कुल सच्ची कहानी है, मैं उससे किसी दिन मिलवाऊंगा भी आपको। तो मैं पहचान नहीं पाता, नंबर सेव नहीं था, तो मैंने बोला भाई मैं आपको पहचान नहीं पाया, आप अपनी फोटो भेजो या अपना नाम डिटेल वगैरह बताओ। उस बच्चे ने अपनी फोटो भेजी और फोटो देखते ही मैं पहचान गया, अरे ये तो वो बच्चा है जिसके पास उस टाइम लिटरली फीस देने के पैसे नहीं होते थे, थोड़ा परेशान रहता था, उसके पापा ना छोले भटूरे की रेडी लगाते थे। आज वो सीए बन गया, मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में सीए बन गया, क्योंकि उसने रिग्रेस मेहनत की है। तो ये सबूत है, रिग्रेस मेहनत जब होती है तो तुम्हारा टारगेट अचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तुम बस मेहनत करने स्टार्ट तो करो, टाइम वेस्ट मत करो, यही टाइम मैनेजमेंट है, वेस्ट मत करो, बस कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते रहो करते रहो करते रहो। जहां पर तुम सोते हो उस पलंग खाट बिस्तरे पर बेड पे, उसके सामने एक दीवार होगी, वहां एक मोटिवेशन वाली कोट लगा लो जो सुबह उठते ही तुम्हें दिखे और तुम्हें तुम्हारे सपने याद आ जाए कि भैया मेरे को सीए बनना है, सपना है, सबका सपना सच होगा, सपना कभी सोचोगा, और कोई ऐसा नहीं है कि इंपॉसिबल चीज है, चीज जरूर है जो आपसे अचीव हो जाएगी। बस आप पूछते रहोगे मैं बताता रहूंगा। आज की क्लास में बस इतना ही, जय हिंद जय भारत, नमस्कार धन्यवाद।